आप हमारे साथ ही रहेगा। हम लाहौर की सूरत हाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद, हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मियां नवीद, क्योंकि जैसा कि आपने गुफ्तगु मुलाहिजा भी की होगी, सुनी भी होगी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टर्नआउट के हवाले से और अहम हलकों के हवाले से, तो लाहौर के कुछ हलके बहुत अहम हैं। वैसे तो लाहौर पूरे का पूरा ही बहुत अहम है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें NA-130 की, जहाँ से यास्मीन राशिद खड़ी हैं और दूसरी जानिब नवाज शरीफ खड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि यास्मीन राशिद क्योंकि इस मर्त अभी कैद में हैं, उनको उस तरह से कंपेन्स चलाने नहीं दी गई, और नवाज शरीफ जो कि एक साइड पर भरपूर कंपेन्स चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर PTI का वोटर निकलेगा यास्मीन राशिद के हक में, या इस मरतबा फिर जो नवाज शरीफ पहले भी यहाँ से जीतते आए हैं इस सीट से NA-130 से, इस मरतबा भी वही जीतेंगे? अच्छा मरियम, इसमें जो है वो सिमती का वोट यकीनी तौर पर यास्मीन राशिद को डल सकता है, और उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अच्छे वोट लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये लाहौर है और लाहौर का जो किला है इसके अंदर नून लीग बहुत स्ट्रांग है। जितना मर्जी टर्न आउट निकला, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को अगर हरा देती है तो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। ये वो हलका है यहाँ पर नवाज शरीफ का, यहाँ से नवाज शरीफ जाते खुद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, और इनका ये वो हलका कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अच्छे वोट तो वो ले सकती हैं। इससे पहले भी डॉक्टर यास्मीन राशिद वोट लेती रही हैं और आजकल वो जेल में भी हैं, हमदर्दी भी हो सकती है, लेकिन इस हलके पे तो हमेशा नून लीग का काफी असर बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ये वो हलका है, यहाँ पर नवाज शरीफ को हराना बहुत मुश्किल है यास्मीन राशिद के लिए। और मैं ये भी बता दूं, इसके साथ साथ अगर लाहौर पूरे की बात करें, जिसमें 3 से 4 सीटों के ऊपर जो है वो लाहौर के अंदर जो है कुछ सख्त मुकाबला मतवक्के है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं जिसमें नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये तो पक्की सीटें हैं उनकी, लेकिन जो 3 से 4 उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें सीट एडजस्टमेंट हुई है, जिसमें 128 है, 128 से यहाँ पर जो है वो ओन चौधरी है, और ये सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ हुई, और यहाँ पर हो सकता है कि जो नून लीग का वोटर है वो यहाँ पर सपोर्ट इतना वोट ना दे ओन चौधरी को, क्योंकि यहाँ पर ये जो हलका है 128, ये हलका PTI का, और यहाँ से पिछली दफ़ा शफकत महमूद साहब इस हलके से जीते हैं। यहाँ पर जो है मैं बता दूँ कि मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ पर PTI के काफ़ी होल्ड है, तो यहाँ पर मतवक़े है मुकाबला। और उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि 127 लाहौर का जो हलका है ये भी काफी दिलचस्प, यहां पर कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों ही जो मेन स्ट्रीम लाइन पार्टीज हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नो डाउट कि उनके पास वहां पर जो है इस वक्त एज उनको ये नहीं है कि उनका बल्ला नहीं है, और उसके साथ उनको उस तरीके से जो है वो कंपेन भी वो नहीं कर सके जिस तरीके से बाकी जो पार्टियों को वहां पर जो है वो आजादी हासिल, तो वहां पर जहीर बास खोखर का एक खोखर बरादरी और दूसरा वोट वहां पर मौजूद है आजाद के तौर पर जो है वो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कई सालों के बाद पीपल्स पार्टी की जानब से पहली मरतबा लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके बाद तारड़ जो है ये भी कोई इनको लीनियट व्यू नहीं लिया जा सकता कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुतवक्के है मुकाबला, और यहाँ पर वोट तकसीम भी हो सकता है, चूंकि यहाँ पर जो है वो TLP का वोट, उसके साथ जमात इस्लामी भी है, तो यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी और PTI का वोट तकसीम हो सकता है यहाँ पर। बाकी आपने कहा कि जो कि नून लीग की कुछ सीटें हैं वो तो फिक्स है, मतलब कि उसे पता है कि उनमें तो जो आपका बार बार सवाल है कि जी टर्न आउट अगर बहुत ज्यादा निकल आया, पहले से ज्यादा लोग निकल आए, तो शायद लाहौर में ऐसा हरगज नहीं हो सकता। अगर टर्न आउट आता भी है तो फिर भी जो है ये सीटें जो है वो, क्योंकि ये किला नून लीग का, यहाँ से हराना मुश्किल है, और ये सारी सूरत है आपका पॉइंट ऑफ व्यू।